हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है कि कैल्क में देखिए तरीका तो सेम ही है, चाहे एक्सेल यूज करें चाहे कैल्क यूज करें, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इसमें भी वही तरीका है। देखिए कैसे करेंगे, ये लोन अगर आपको कैलकुलेट करना, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, बाइक खरीदने, आपके जेब में उतने पैसे नहीं है, तो फाइनेंसर वहां बैठा हुआ है, वो कहता है कि भाई आप लोन करवा लीजिए और हर महीने महीने करके आप फाइल करिएगा, अपना जो भी लोन अमाउंट है वो फाइल करते रहिएगा और कुछ दिनों में आपकी बाइक आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में लोन कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो यूज होता है पीएमपी। कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लोन लिखा हुआ, यहीं पे मैं लोन कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं पीएमटी की मदद से लोन कैलकुलेट करूंगा। यहाँ लिखा पीएमटी, अब शिफ्ट के साथ 9 बटन अल्फाबेटिक बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो ये 12% लेंगे। ठीक है, अब ये 12% लेंगे तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें महीने वाइज चाहिए, इसीलिए मैं इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। देखिए सिंटेक्स में दे रहा है एनपीईआर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीईआर? एनपीईआर का मतलब कि कितने दिनों में आप ये लोन चुकाने वाले हैं, तो उसको आपको चूज करना है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है 1 साल, तो ये 1 वर्ष है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉमा लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है बाइक की वो है 80,000 रुपए। अब इसमें से कुछ डाउन पेमेंट आप कर देते हैं तो उसको आप माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपए दे दिया, तो आपको 20,000 रुपए को इसमें से माइनस कर देना होगा। तो आप इस तरह से कुछ माइनस कर दीजिए, फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है एफ बी, सेंटेक्स में आ रहा है एफ बी यानी फ्यूचर वैल्यू, कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं, हमको तो लोन भरना है ना। अब यहाँ पे दो टाइप होते हैं, 0, 1, 1। ठीक है, एक महीने के स्टार्टिंग से कैलकुलेट करता है। अब जैसे मान लीजिए लोन आपने लिया 15 तारीख को, ठीक है, तो जो ब्याज का कैलकुलेशन है वो 1 तारीख से ही चालू होगा। ठीक है, दो टाइप होते हैं इसमें, एक होता है 1 लिखना, दूसरा होता है 0 लिखना। तो दोनों टाइप का बहुत कम डिफरेंस आता है, लगभग मुझे लगता है कि 1 या पॉइंट में डिफरेंस आता है। तो ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है, तो महीने के स्टार्टिंग से, अब देखिए ये एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे हमारा लोन आ गया कि हर महीने हमको 5,330 रुपए 93 पैसे भरने हैं। ठीक है, इस लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए अब ये यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, अब इसको बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए 5,331 रुपए आ रहा है। ठीक है, इसके पहले कितना आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर F2 प्रेस कर लेता हूँ इसको एडिट करने के लिए। अब 1 लिखा था तो क्या हो रहा था वो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हो गया 31 आ रहा था, ठीक है, 1 लिखने पे, और अब 0 लिखने पे क्या आ रहा था वो दिखाता हूँ। F2 प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। ठीक है, और इसको बंद किया और अब एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 5,330 रुपए 93 पैसे आ रहा, मतलब 0.07 पैसे का डिफरेंस है। तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप लिब्रा कैल्क में भी बहुत ही आसानी के साथ लोन कैलकुलेट कर सकते हैं।